अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। डॉक्टर वहीद अहसन यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। तो आज का जो हमारा टॉपिक है और बड़ा अहम टॉपिक है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी गाय हीट में है। तो काफ़ी फार्मर हजरात हैं, उनको इस बात का पता नहीं चलता। तो या जो बड़े फार्मर्स हैं, जो डेयरी फार्म्स जिनका कमर्शियल चल रहा है, तो उनमें अक्सर फार्मर्स को पता होता है, या उन्होंने जो वेटनरी डॉक्टर्स रखे होते हैं, वेटनरी असिस्टेंट, तो उनसे अंदाज़ा हो जाता है, या उन्होंने टीज़र बुल रखे होते हैं, तो वो उनकी वजह से उनको पता लग जाता है, टाइमली ही डिटेक्शन हो जाती है, और वो फिर इस तरह इंसेमिनेट भी करवा लेते हैं अपने जानवर को, तो उसका बड़ा फ़ायदा है। अब ये बात आम फार्मर को अक्सर पता नहीं होती कि क्या मतलब क्या इलामत है जानवर की, जिससे हमें पता चलेगा कि जानवर हीट में है, 100% हीट में है। तो आज इसी बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चंद एक आपको मेन इलामत मैं बताऊंगा कि कौन कौन मतलब किस हालत में जानवर हीट में हो सकता है या वारे में हो सकता है। तो सबसे पहले जो बड़ी इलामत है वो ये है कि जो जानवर है वो खाना पीना कम कर देगा, थोड़ा एक्टिव हो जाएगा, मतलब उसकी आंखें ज़रा खुली हुई होंगी, वो इधर उधर ज़्यादा देखेगा आपकी तरफ या जो भी है बाकी जानवरों को, वो सूंघ रहा होगा अक्सर जानवरों को इधर, मतलब जैसे बेचैनी एक होती है उस तरह की उसकी कैफियत होगी, इधर उधर दौड़ेगी, अगर खुला आपने छोड़ा हुआ इधर उधर दौड़ेगी, उसके अलावा आवाज़ें निकालेगी अक्सर, मतलब ये मेन इलामत हैं। इनमें से अगर आपको 3-4 भी इलामत इकट्ठी मिलती हैं तो वो 100% बात हो जाती है कि जानवर आपका वारे में है। तो आवाज़ निकालती है, मतलब आपको बता रही हो कि वह मेरी तलब है और इंसेमिनेट मुझे कर दें। और इसके अलावा एक और मेन इलामत है कि उसके गाय के जो वजाइना वाली तरफ है, जो सार वाली तरफ है, वहाँ से जो है वो म्यूकस निकलती है, गांसा निकलता है साफ़ शीशे की तरह, जिसकी अगर यूट्रस बिल्कुल ठीक है तो साफ़ शीशे की तरह उसका गंद निकलेगा या म्यूकस निकलेगी, मतलब म्यूकस और गंद से आप समझ लें। और अगर किसी का अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, यूट्रस में इन्फेक्शन है वजाइना में या कुछ है, तो उसकी वजह से वो गंद तो निकालेगी लेकिन वो ज़रा मैला सा होगा, मतलब धुंधला सा होगा या ऐसे पीला सा होगा, तो वो जो है ना क्या कहते हैं, ये भी एक मेन इलामत हो गई। अगली ये है कि अगर जानवर को आपने खुला छोड़ा हुआ है तो वो अक्सर दूसरी गायों पे चढ़ेगी, और जो है ये भी एक बहुत बड़ी इलामत है। अगली ये है कि अक्सर फार्मर्स का ये ऑब्ज़रवेशन मैंने किया है, जो बड़े फार्मर्स हैं या तजुर्बाकार हैं या देहातों में भी अक्सर होता है कि उनको पता है कि अगर जानवर के सामने हम सीटी बजाएंगे ऐसे बिल्कुल ऐसे से इस तरह की, तो वो उससे भी जानवर जो है ना अपना एक पोज बना लेता है, मतलब वो कमर को अपनी ज़रा नीचे से कर लेता है। इस पोज को कहते हैं स्टैंडिंग टू बी माउंटेड, मतलब वो चाह रही है कि कोई बुल आ जाए। तो ये बड़ी मेन इलामत हैं, इनसे आपको पता चल जाएगा कि जानवर आपका हीट में है। तो जैसे ही आपको पता चले तो आप बेहतर है आप किसी AIT को बुला लें, या अगर आपके पास अपना बुल खड़ा है या सांड खड़ा है तो उससे आप क्रॉस करवा लें, क्योंकि मेनली ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, फॉर्म पे भी अक्सर प्राइवेट फॉर्म्स पे भी देखा है कि लोग जब बुलाते हैं तो उस वक्त वो हीट का एंड हुआ खड़ा होता है, क्योंकि अक्सर जो आम फार्मर्स हैं उनको लेट पता चलता है, तो वो हीट का टाइम गुजरा खड़ा होता है या बिल्कुल एंड होता है, तो इसलिए आप बेहतर है कि फ़ौरन बुलवा लें। AIT आपको बता देगा कि वो हीट में है या नहीं, या अभी प्रॉपर उसका टाइम नहीं है इंसेमिनेट करने का। तो आप ये चीज़ें ज़हन में रखेंगे तो इंशाल्लाह आपका जानवर जो है, एक तो आपको हीट डिटेक्शन में भी बहुत आसानी होगी और साथ आपका जानवर भी टाइमली इंसेमिनेट हो जाएगा। आपका जो मतलब अक्सर जैसे कहते हैं वारा चुक जाता है या फार्मर को नहीं पता चलता, तो वो उसके अगले 20 दिन ज़ाया हो जाते हैं, तो अगले 20 दिनों बाद जानवर ने हीट में आना है, 18 से 20 दिनों के बाद, तो वो इस दौरान, क्योंकि आजकल वैसे भी जो खुराक है वो कॉस्टली पड़ती है या जानवर को रखना ज़रा महंगा पड़ता है, ख़ासतौर पर वो लोग जो बाज़ार से चारा लेते हैं
जिनकी अपनी ज़मीन है वो तो फिर भी काफ़ी कुछ बचा लेते हैं काफ़ी। तो इसलिए 20 दिन अगर आपने बचाने हैं या टाइमली इंसेमिनेट करना है, अपना टाइम बचाना है, तो ये इन चीज़ों पे ज़रूर गौर करें जो इलामात मैंने बताई हैं। 100% अगर आप ये सारी इलामात याद कर लेंगे तो 100% आप इस काबिल हो जाएंगे कि जैसे ही आपका जानवर हीट में आए आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ ताकि उन तक भी मुफीद मालूमात पहुँच जाएँ, और चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मैं वीडियोस बनाऊं, मैं रेगुलरली वीडियोस बनाता हूं, तो वो आप तक पहुंचती रहें। अपना ख्याल रखिएगा, अपने गिर्द नवा के लोगों का भी ख्याल रखिएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।